हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बैक टू बैक, आप चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं आपके। एंड ऑलरेडी उस पर कई सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आपने लिया है उसके रिगार्डिंग आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बी एस सेकेंड ईयर के एजुकेशन के बारे में, शिक्षा शास्त्र के बारे में। एंड इस पर ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर तक आपका कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पेपर का, सॉरी 4th चैप्टर तक हो चुका है। एंड आज है हमारा 5th चैप्टर जिसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल एक एक चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ मिल रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि अनुवांशिकता क्या होता है और पर्यावरण क्या होता है, और व्यक्ति के ऊपर इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है अनुवांशिकता का और पर्यावरण का। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा है क्या है, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता क्या है, जब हम अपनी पुरानी पीढ़ियों के द्वारा जो भी चीजें, एक कह सकते हो कि मतलब जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं उनसे, एज ए नॉलेज, एज ए बायोलॉजिकल थिंग, जो भी चीजें हम उनसे ग्रहण करते हैं, उनसे पाते हैं, वो कहलाता है आपका अनुवांशिकता। चाहे वो कल्चर हो, रिलीजन हो, चाहे वो आपकी सोच हो, समझ हो, आपके जीन्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी चीजें हम अपने पूर्वजों से पाते हैं वो कहलाता है आपका अनुवांशिकता। अब पूर्वजों से हम जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो सीखने की हो, लर्निंग हो, वो सब अनुवांशिकता कहलाता है आपका। मतलब जो आपकी बायोलॉजी, जो अपने पूर्वजों से आपके अंदर जो जीन्स में आपके आ जाता है, वो कहलाता है आपका अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता के सिद्धांत हैं, कई सारे विद्वानों ने अनुवांशिकता पर खोज किया है और बताया है कि वो मनुष्य की ग्रोथ के लिए, मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की सोच समझ, उसके IQ, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसमें खोज करने में गाल्टन ने एक सिद्धांत दिया है, वो है उत्पादक सूत्रों की निरंतरता। गाल्टन का सिद्धांत था कि जो एक उत्पाद है वो उत्पादक सूत्र की निरंतरता को कायम रखेगा, यानी कि एक उत्पाद है तो वो अपने जैसे उत्पाद, मतलब वो उत्पाद बार बार क्रिएशन होता रहेगा, यह अनुवांशिकता के माध्यम से होता है। मतलब वो उत्पाद, नेक्स्ट जब उत्पाद बनेगा तो उसी के जैसा उसके अंदर भी उसके गुण पाए जाएंगे। एंड इसी पर अपना सिद्धांत देते हुए लैमार्क महोदय ने कहा था, अर्जित गुणों का हस्तांतरण होगा, यानी कि एक पेरेंट्स है, माता पिता है, उनके अंदर जो गुण होंगे उसके आने वाली जनरेशंस में वो गुण पाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं वो चीजें उसको देखने को मिलेंगी, उसमें जो भी गुण अपने माता पिता का जो गुण होता है, तो अर्जित गुणों का हस्तांतरण होता है। जो भी चीजें हमने सीखी हुई हैं वो हमारी आने वाली जनरेशंस में जीन्स के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगी। इसी पर प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया है। प्रत्यागमन का सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जितनी हमारे पास नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ब्रॉड लेवल पर किसी चीज के बारे में नॉलेज है, मतलब हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो हमारे अंदर है, जब हमारी अगली जनरेशंस आएंगी, यानी कि हमारे इंटीमेशन के थ्रू जब हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमारी आएगी, तो उसके अंदर हमारे गुण मिलेंगे, लेकिन वो गुण क्या होंगे, अधिक से कम होते जाएंगे। यानी कि मान लिया किसी चीज का गुण आपके फोर फादर्स में था, तो वहां से आपके पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स से आप में, फिर आपसे आपके बच्चों में, धीरे धीरे वो चीज जो था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे चीजें क्या होती है, निग्लेक्ट होती चली जाती हैं, एंड धीरे धीरे जो बायोलॉजी है वो चेंज होता रहता है, और एक समय आने के बाद वो चीज पूरी तरह से भी चेंज हो सकता है, कुछ चीजें ही रेयरली रह जाएंगी आपके अंदर। मतलब जो आपके फोर फादर्स में हजारों साल पहले था, वो शायद आज आपके अंदर वो नहीं हो, लेकिन आपके पेरेंट्स में जो है वो जीन्स आपके अंदर पाया जाएगा। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, अधिक से धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जाता है गुण। इसी में अगला सिद्धांत है मेंडल महोदय का, इन्होंने भी कहा है समस्त गुणों का संक्रमण नहीं होता है, यानी कि ये जो अनुवांशिकता है इसके माध्यम से समस्त गुणों का संक्रमण नहीं होता है कि माता पिता के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी क्वालिटीज हैं, वो बच्चे के अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। समस्त गुणों का संक्रमण नहीं होता है, कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें, उसके व्यवहार का कुछ चीजें बच्चे में पाई जाती हैं, तो समस्त गुणों का संक्रमण नहीं होता है। अगला है समानता का सिद्धांत होता है। समानता का सिद्धांत मतलब समान से समान की उत्पत्ति, यानी कि मनुष्य है, एक लेडी है, एक मैन है, तो उनसे जो आने वाली जनरेशन होगी, आने वाला जो बच्चा होगा, वो भी उन्हीं के जैसे गुणों को लेकर के आएगा, मतलब हाथ पैर आंख मुंह जैसे होते हैं एक मनुष्य के, उसी के समान आएगा। यानी कि हम जैसे हैं, अपने समान जो है बच्चे को उत्पन्न करना ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो समान से समान की उत्पत्ति होगी। और इसी में आगे एक सिद्धांत दिया गया था, भिन्नता का सिद्धांत,
यानी कि समान की तो उत्पत्ति होगी लेकिन उसके गुण अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स के चार बच्चे हैं, अब चारों के अलग अलग गुण है, अलग अलग इंटीमेशन है, अलग अलग उनका थॉट प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से वो सोच रहे हैं, उनके जीने का तरीका, उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। यानी कि समानता में भी भिन्नता हो सकती है, यानी कि एक पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उनमें गुण तो अपने माता पिता के पाए जाएंगे, मतलब जो जीन्स होगा वो तो माता पिता का अनुवांशिकता होगा, लेकिन उनके बिहेवियर अलग हो सकते हैं। तो वही है अगला क्या, भिन्नता का सिद्धांत। तो इस तरह से अनुवांशिकता के थ्योरीज हैं, अनुवांशिकता का सिद्धांत है, इस पर विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है कि मनुष्य अपने पीढ़ियों से काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर आती हैं और काफ़ी कुछ उसको सीखने को मिलता है, उसकी सोच समझ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड अध्ययन संबंधित सिद्धांत, मतलब अनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए, अनुवांशिकता को जानने के लिए कौन कौन से सिद्धांत लाए गए, उसमें गाल्टन महोदय का सिद्धांत, गाल्टन महोदय ने अनुवांशिकता का एक सिद्धांत दिया प्रतिभाशाली बालकों पर अध्ययन करके, यानी कि गाल्टन का जो सिद्धांत था वो था प्रतिभाशाली बालकों पर अध्ययन करके कि जो बच्चे एक अलग लेवल के, उनके अंदर आईक्यू लेवल होता है, एक अलग तरीके से वो सोच सकते हैं, उनकी समझ ज़्यादा हो, इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन पर गाल्टन महोदय ने अध्ययन किया और अपनी थ्योरीज में दिया कि वो बच्चे ज़्यादा स्पार्क उनके अंदर क्यों पाया जाता है, वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, उनके आईक्यू लेवल ज़्यादा क्यों है, उस पर उन्होंने अध्ययन करके अपनी थ्योरी दिया हुआ था। जूक महोदय ने परिवार का अध्ययन किया और परिवार के अध्ययन में ही स्टुअर्ट ने भी, कार्ल पियर्सन, कालीकक, इन सभी ने परिवार का अध्ययन किया और पता लगाया कि मतलब अनुवांशिकता होती है, अनुवांशिकता पाई जाती है कई सारे परिवारों का, अलग अलग जगह पर, अलग अलग विश्व में भ्रमण करके, अलग अलग जगहों पर परिवारों का अध्ययन करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हाँ, जो बच्चे आने वाली जनरेशन में हैं उनमें अपने पेरेंट्स का, अपने फोर फादर्स के अनुवांशिकता पाई जाती है और कहीं ना कहीं उनके गुण उनके अंदर हस्तांतरित होते हैं। तो अनुवांशिकता काफ़ी हद तक व्यक्ति के जीवन पर इंपैक्ट डालती है। एंड नेक्स्ट चीज जो हमारा है, अनुवांशिकता हमने समझ लिया क्या है, अगला है आपका पर्यावरण, यानी कि एक मनुष्य के जीवन, उसके बिहेवियर, उसकी सोच, उसकी समझ पर उसके पर्यावरण का काफी इंपैक्ट पड़ता है। मनुष्य जिस पर्यावरण में जिस तरह से रहता है उसकी बॉडी का सहन करने की क्षमता, उसका रिस्पॉन्स करना, उसका माइंडसेट, उसकी आईक्यू लेवल, उसकी समझ, उसका मतलब बिहेवियर, हर एक चीज उसके पर्यावरण से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति को अगर आप जाकर के देखोगे, जो गर्मी में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी बॉडी उसके हिसाब से जो है फिट बैठती है कि वो उस तरह की बॉडी, उस तरह की गर्मी झेल सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, माइनस डिग्रीज में रहते हैं और वो उस जगह पर भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर्यावरण में जिया है और उनका बॉडी उस तरह से हो गया। अगर उनको उठा करके आप गर्म जगह पर लेकर के आओगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या गर्म वाले को ठंडे में ले जा करके डाल दोगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पर्यावरण से उनके व्यवहार पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति शांत पर्यावरण में रहता है तो उस पर उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, कोई पहाड़ों पठारों में रहता है तो उनके अंदर अपने आप से वो स्ट्रांगनेस आ जाएगी, वो खूंखारता आ जाती है। पठारों के क्षेत्रों में आप देखोगे, दक्षिण के क्षेत्रों में, उनमें अलग ही तरह की पावर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो भी हमारे लाइफ में हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट डालता है, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी अनुवांशिकता, आपके जितने भी लक्षण हैं, जितने भी बिहेवियर हैं, हर एक चीज़ पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पर्यावरण पर भी कई सारे विद्वानों ने अपना सिद्धांत दिया, जैसे कि डार्विनवाद का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, जैसे कि डार्विन ने कहा जैसे जैव विकास का सिद्धांत हुआ, वैसे ही स्पेंसर ने कहा था कि समाज का भी उद्विकास हुआ। जैसे डार्विन ने कहा कि जीवों का उद्विकास हुआ, ऐसे समाज का भी उद्विकास हुआ, तो जीवों का भी उद्विकास हुआ है। तो डार्विन ने सिद्धांत दिया था, लैमार्क का सिद्धांत आया था इसके क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर के, कि मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के समझ पर, मनुष्य के व्यवहार पर, मनुष्य के लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके पर्यावरण का, लैमार्क ने भी इस पर अपना सिद्धांत दिया हुआ था। तो इस तरह से इन सिद्धांतों को देखते हुए हम अगर मनुष्य को डिफाइन करना चाहे कि एक मनुष्य क्या होता है, एक मनुष्य के अंदर जो उसके बिहेवियर, जो उसकी सोच, समझ, उसकी फिजिकल, उसकी इंटरनल जो लुक्स होती है, या जो उसका पूरा पर्सनालिटी होता है, वो क्या होता है, तो उसको हम एक सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं कि व्यक्ति इज इक्वल टू अनुवांशिकता प्लस पर्यावरण। अनुवांशिकता उसके और पर्यावरण, ये दोनों मिलकर के, इन दोनों का मिलाप ही एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी होती है। अब एक व्यक्ति का मानसिक लेवल किस तरह से ग्रो होगा, उसका बायोलॉजिकल लेवल किस तरह से ग्रो होगा, उसके फिजिकल लेवल किस तरह से ग्रो होगा, इसमें उसकी अनुवांशिकता और उसके पर्यावरण का काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इस तरह से पर्यावरण और अनुवांशिकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों मिलकर के एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और एक व्यक्ति की लाइफ में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, व्यक्ति पर इनका इंपैक्ट क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पर आए एक बार विजिट कर लेना, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इससे काफी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे
अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।